एक सुंदर से जंगल में सुनीता नाम की बहुत गरीब औरत अपनी बेटी मिंकू के साथ रहती थी। सुनीता बहुत गरीब थी, उसके पास कोई घर नहीं था, वो जंगल में ही रहती थी। कुछ साल पहले ही सुनीता का पति सुनीता को छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है। तब से बेचारी सुनीता उसी जंगल में रहती थी। वो जंगल अब सुनीता का घर बन गया था। फिर एक दिन अचानक मिंकू को बहुत तेज बुखार आ जाता है, जिसे देखकर सुनीता बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, मेरे बेटे को तो बहुत तेज बुखार आ गया है, मुझे फौरन डॉक्टर के पास चलना चाहिए। ऐसा बोलकर सुनीता बहुत लोगों से मदद मांगती है। बहन, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझ गरीब पर कुछ दया कर दो बहन। गरीब भिखारन, तू यहाँ से चली जा, तुझे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, पता नहीं कहाँ से ये गरीब लोग मेरे घर पर ही चली आती हैं। सुनीता बहुत लोगों से मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता। भला बुरा कहकर लोग उसे अपने घर से भगा देते थे। तब सुनीता उदास होकर अपने पति रवि के घर पर जाती है। रवि, मिंकू का तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, दया करके तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। सुनीता ऐसा बोल ही रही थी, तभी वहाँ पर रूपा आ जाती है और सुनीता को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हें रूपा की बातों का कोई असर नहीं है, तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। रवि, तुम अपनी बेटी के प्रति इतना बेरहम मत बनो, मुझे कुछ पैसे दे दो, अगर उसे कुछ हो गया तो। तुम दोनों को कुछ भी हो, हम लोगों से क्या मतलब है? अभी यहाँ से निकलती हो या धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाले। बेचारी सुनीता रोती हुए वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते भर अपने भाग्य को कोस रही थी कि भगवान, तुमने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। सुनीता के बेटे मिंकू का तबीयत और बिगड़ता ही जा रहा था, ये देखकर सुनीता बहुत घबराने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, अब मैं मिंकू का इलाज कैसे करवाऊंगी? उदास होकर जब सुनीता अपने भाग्य पर रो रही थी, तभी वहां से गुजर रही एक जादूगरनी सुनीता के पास आती है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैं क्या बताऊं माँ जी, मैं और मेरा बेटा इसी जंगल में रहते हैं। कुछ साल पहले ही मेरे पति ने हम दोनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया, तब से हम दोनों इसी जंगल में रहते हैं। आज मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं चाहकर भी अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पा रही हूँ। बेटी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। ऐसा बोलकर जादूगर ने अपने जादुई शक्तियों से सुनीता और मिंकू को अपने घर पर ले जाती है। जादूगरनी का घर एक विशाल जादुई आलू के घर से बना हुआ था, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। तब जादूगरनी सुनीता से कहती है, बेटी, तुम अपने बेटे को लेकर जादुई विशाल आलू के घर के अंदर जाओ। घर के अंदर जाते ही तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही सुनीता अपने बेटे को लेकर जादुई विशाल आलू के घर के अंदर जाती है, उसका बेटा मिंकू बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है। मुझ गरीब की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी, आज आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। बेटा, मैं तो एक बूढ़ी जादूगरनी हूँ, मुसीबत में रहे लोगों की मदद करती हूँ। आज से ये विशाल जादुई आलू का घर तुम्हारा है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, तुम अपने बेटे के साथ इसी जादुई घर में रहना। अब सुनीता का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। सुनीता गरीब से बहुत अमीर हो गई थी। पहले सुनीता एक एक पैसों के लिए तरसती थी, अब उसके पास बहुत ढेर सारे पैसे हो गए थे।
सुनीता अपनी बेटी के साथ जादुई विशाल आलू के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देव और शीला दोनों शहर में रहते थे। देव ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था। देव सुबह काम करने के लिए जाता था और शाम होने पर घर वापस लौट कर आता था। इस बीच शीला घर का सारा काम करती थी। यही है देव और शीला का जीवन। देव पूरे दिन काम करता था और गरीबी में अपना दिन गुजारता था। फिर एक दिन देव अपनी पत्नी शीला से कहता है, शीला आज माँ का कॉल आया था, बोल रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। हाँ तो ठीक है, कल सुबह ही हम लोग माँ के पास चलेंगे और अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे जिससे माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। शीला की बात देव को सही लगती है। तब शीला और देव दोनों अपनी माँ के पास आ जाते हैं। माँ माँ हम लोग आ गए। उस वक्त देव की माँ आखिरी सांसें ले रही थी। बेटा तू आ गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं तुझे देखे बगैर इस दुनिया से कैसे जा सकती हूँ। माँ आप ऐसी बातें मत बोलो। हाँ माँ, आपका अच्छे डॉक्टर के पास इलाज होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है, मरने से पहले मैं तुम दोनों को वो राज बता दूँ। कैसा राज माँ? जादुई मिर्ची का राज बेटा। जादुई मिर्ची? वो कैसा राज है माँ? मेरी अलमारी में एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर मैंने जादुई मिर्ची का बीज रखा है। बेटा तुम उस बीज को जमीन पर उगाओ, जादुई मिर्ची तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। इतना बोलकर देव की माँ इस दुनिया से चल बसी। देव और शीला दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद शीला देव से कहती है, आपको याद है माँ ने हमें एक राज बताया था? हाँ शीला, मुझे जादुई मिर्ची का राज याद है। ये रहा वो जादुई मिर्च का बीज, हमें इन्हें खेतों में बो देना चाहिए। हाँ शीला, लेकिन इसमें समय बहुत लगेगा। कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार कर लेंगे। माँ ने कहा था जादुई मिर्च है, हो सकता है इस जादुई मिर्च से हम लोगों की किस्मत बदल जाए। हाँ ठीक है। फिर देव और शीला दोनों खेतों में जाकर जादुई मिर्च के बीज को बो देते हैं। अब तो हम दोनों को मिर्ची के बीज के उगने का इंतजार करना है। मिर्च के बीज में क्या जादू है शीला और देव को नहीं पता था, फिर भी दोनों बीज के उगने का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद देव और शीला दोनों खेतों में आकर देखते हैं तो उन लोगों की जादुई मिर्च का बीज अभी तक नहीं उगा था। तब देव कहता है, न जाने ये मिर्च कब उगेगा। सब्र करते हैं, एक ना एक दिन तो जरूर ही उगेगा। एक बात तो समझ नहीं आती, इस जादुई मिर्च में क्या जादू होगा। हाँ वैसे आप बात तो सही कहते हैं, जो भी जादू होगा अच्छा ही होगा। फिर एक दिन जब देव और शीला दोनों खेतों में आकर देखते हैं तो उनका मिर्ची का पौधा छोटा छोटा उग गया था, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। शीला तुम देख रही हो ना, मिर्ची के पौधे उगाए हैं, अब कुछ ही दिनों में ये बड़े हो जाएंगे और इनमें मिर्च भी उगने लगेगी, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या जादू है। इतने दिनों के कड़ी मेहनत के बाद आज देव और शीला दोनों के चेहरे पर बहुत खुशी थी। उन दोनों को जादुई मिर्च से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्हें क्या पता उनके साथ क्या होने वाला है। फिर कुछ दिनों के बाद जब देव और शीला दोनों खेतों में जाकर देखते हैं तब उनके खेतों में मिर्च लहरा रहा था, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आज हम लोगों के खेत में मिर्च भी उगाए हैं, लेकिन इनमें क्या जादू है। फिर दोनों ने एक एक मिर्च तोड़ी, लेकिन कोई जादू न हुआ।
जिसे देखकर देव और शीला बहुत उदास हो जाते हैं। इनमें तो कोई जादू नहीं हुआ, इसका मतलब माँ झूठ बोल रही थी। चलो अब हम लोग घर चलते हैं। दोनों बहुत मायूस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी शीला अपने साथ कुछ मिर्च ले लेती है। वो दोनों सोच रहे थे उनकी एक महीने की मेहनत खराब चली गई। उदास होकर शीला उस मिर्च को एक कटोरी में रख देती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब शीला खाना बनाने के लिए आती है, तब वो देखती है कि वो कटोरी सोने की हो गई है। इसे देखकर शीला बहुत आश्चर्य हो जाती है। अरे ये क्या, कटोरी में मिर्च रखने से कटोरी सोने की हो गई? ये तो जादू हो गया। फिर शीला अपने पति देव को जादुई मिर्च के बारे में बताती है, जिसे सुनकर देव भी बहुत खुश हो जाता है। अरे ये तो जादू हो गया माँ, मैं आपको तो गलत समझ रहा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस सोने को बेचकर देव अपना एक बहुत बड़ा घर बनवा लेता है। अब देव और शीला दोनों बहुत अमीर हो गए थे, उन दोनों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जादुई मिर्च ने तो हम लोगों का जीवन ही बदल दिया। कहाँ हम दोनों शहर में किराए के मकान में रहते थे, और अब इतना बड़ा बंगला वो भी खुद का है। हाँ शीला, ये सब माँ की वजह से हुआ है, माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देव और शीला दोनों का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अब वो दोनों गरीब से बहुत अमीर हो गए थे। अब देव और शीला अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करते थे, क्योंकि उनके पास ऐसा धन आ गया था जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। उन दोनों को जब भी धन की जरूरत होती थी, बस जादुई मिर्च को किसी बर्तन में रख देते थे, वो बर्तन सोने का हो जाता था। अब देव और शीला खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।